हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल चलो एवरीवेयर में। और फ्रेंड्स आज देखो, आप ये देखे हमने ये सारा सामान के बिखेरेगा, मैंने ये लैपटॉप देखा। एक्चुअली जब मैं स्टूडेंट था तब का मेरा लैपटॉप है और इसको मे बी आई थिंक 9 से 10 साल होने वाले हैं। एक्चुअली इसमें एक इशू आ गया कि स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन आ नहीं रहा कुछ, तो इसको ही दिखाने आज हम जा रहे हैं अट्टा में, हमारा जो नोएडा का मेन मार्केट है अट्टा, जिसको मिनी सीपी भी कहते हैं यहाँ का कनॉट प्लेस। अब देखते हैं क्या करता है, उसको दिखाता हूँ। और ये साथ में ले जा रहा हूँ हार्ड डिस्क, जिसका डाटा इसमें डलवाऊंगा और इसको देखते हैं क्या होता है। चलते हैं फिर, मिलते हैं आपको अट्टा मार्केट। जल्दी मैं अट्टा की तरफ, मैं और मेरी तन्हाई। और मेरे घर से जो अट्टा मार्केट है वो 10 मिनट का रास्ता है, बस यही है रास्ते में। बस सड़कों की हालत हो रही है बुरी, क्योंकि यहाँ से जो सामने देख रहे हो आप ये फ्लाईओवर बन रहा है तो जेवर एयरपोर्ट के लिए। और ये जो जेवर एयरपोर्ट ये जो बनने वाला है ग्रेटर नोएडा में, उससे ये बेनिफिट हो जाएगा जो फ्लाईओवर बन रहा है कि जो नीचे का सारा ट्रैफिक है जो जाम रहता था सारा ऊपर को डाइवर्ट हो जाएगा, नीचे भी नहीं रहेगा जाम और ऊपर भी नहीं रहेगा। यही है सारा, ये देखिए साइडों में सारा ये काम चल रहा है, ये पिलर्स लग गए हैं। 2021 का ही टारगेट है फ्लाईओवर का, देखते हैं कब तक बनता है। और बाकी नोएडा की सड़कें तो अच्छी हैं, बस कुछ कुछ जगह हैं थोड़ा, लेकिन वैसे तो बढ़िया है फर्स्ट क्लास। ये रेड लाइट आ गया हमारा सेक्टर 47 का, और ये अट्टा का बोर्ड हमारा नीचे चल दिए। ये वाला एरिया आपका ये बोटैनिकल गार्डन का चल रहा है, ये बोटैनिकल गार्डन सामने बोर्ड है। और ये पूरी मेट्रो लाइन जा रही है, ब्लू मेट्रो लाइन। और लेफ्ट साइड में सारा ये बोटैनिकल गार्डन का मेट्रो स्टेशन है। और ये अभी तो आपको भीड़ कम दिख रही होगी, लेकिन जो कोरोना से पहले था बड़ी जाम लगा रहता था, बड़ी भीड़ रहती थी यहाँ पर, लेकिन अभी कम है क्योंकि मेट्रो में लोग आना जाना कम ही कर रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ भी वही पहले जैसे ही जाम हो जाएगा, ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी जो लेफ़्ट साइड में ये बिल्डिंग देख रहे हो आप येलो कलर की, ये मल्टी लेवल पार्किंग है यहाँ की। आप अट्टा में गाड़ी ना खड़ी करके यहाँ पर आप कर सकते हो, अच्छी खासी है यहाँ पार्किंग बन गई है। तो वहाँ की जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक से बचने के लिए जब भी आप अट्टा आते हो तो यहाँ पे कार या बाइक जो भी है वो पार्क कर सकते हो, सही है, अच्छा है। और बाकी ये लेफ्ट साइड में हमारा GIP आ गया, द ग्रेट इंडियन पैलेस। और बहुत ही बड़ा मॉल था ये, इतना क्राउड था यहाँ पे, लेकिन अब तो कम ही क्राउड आता है यहाँ पे। सारा जो क्राउड है वो डाइवर्ट हो गया DLF मॉल पे, लेकिन अपना GIP है। और ये आ गए हम अपने नोएडा के अट्टा के ट्रैफिक में। जो अपने नोएडियंस को पता होगा अट्टा में कितना तगड़ा ट्रैफिक लगता है। और ये बस्ते बचाते हुए जा रहा हूँ मैं सावित्री मार्केट। और ये लेफ्ट साइड में सेक्टर 18 का मेट्रो स्टेशन आ गया, बस जैसे ही 18 का मेट्रो स्टेशन है उसके जस्ट बगल में ही है सावित्री मार्केट। और ये आ गया आपका सावित्री मार्केट, ये बोर्ड लगा हुआ है सामने मेट्रो सेक्टर 18 का मेट्रो स्टेशन। और ये जो मार्केट है वो अपने नोएडा की नेहरू प्लेस है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप से लेके मोबाइल से लेके कंप्यूटर से लेके माइक से लेके स्पीकर से लेके A to Z जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का है। और हाँ, लैपटॉप रिपेयर की सबसे बड़ी मार्केट है नोएडा की, तो अगर आप सब में से किसी को भी अपना लैपटॉप रिपेयर करा रहा हो या कुछ भी उसमें डलवाना हो, कुछ भी इशू आ गया लैपटॉप के रिलेटेड, तो आप यहाँ आ सकते हो। और जो मैं लोकेशन है यहाँ का सावित्री मार्केट का, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या मैं गूगल मैप लिंक शेयर कर दूँगा, आप लोग चेक कर लेना। और ये यहाँ की चार्ट के लिए, और मैं अपनी बाइक पार्किंग लॉट में लगा दूँ।
जा रहा हूँ ऊपर ऊपर सावित्री मार्केट में, जैसे ही आप आएंगे तो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में ही है आपका लैपी रिपेयर जोन। ये राइट साइड में आ गया लैपी रिपेयर जोन, और ये ऊपर बोर्ड है इनका, ये आप चेक कर लेना।